जब मैं अपने मन पर दृष्टि रखती हूँ तो पता चलता है कि मन में उठ रही भावनाएं सभी एक समान नहीं रहती हैं इन बदलती हुई भावनाओं के कारण पता होता है कि ये करना या नहीं करना फिर भी हम उसको नहीं सुनते हैं देखो मन हमेशा अलग अलग भावनाओं में इमोशंस में तो आएगा ही दूसरे मन में हमेशा ही अच्छी भावना आए ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि मैंने कल ही कहा ना अच्छे के साथ बुरा हमेशा है ऑप्शंस दोनों संकल्प के साथ विकल्प हमेशा होता है गुड एंड बैड ऑलवेज इज गोइंग टू बी देर हु इज गोइंग टू डिसाइड वेदर आई डू गुड और नॉट डू द गुड एंड चूज टू डू बैड इट इज योर इंटलेक्ट वेन इंटलेक्ट इज नॉट क्लियर देन वी गेट ड्राउंड इन आर इमोशंस जैसे एक लड़की ने मुझे चिट्ठी लिखी कि मैं बहुत दुखी हूँ दुखी रहती हूँ uh, किसी लड़के से उसकी दोस्ती थी दे माइट हैव बीन इन अ फिजिकल रिलेशन लड़के ने यूज़ किया फिर उसने छोड़ दिया अब वो ब्लैकमेल करता है और उसे समझ नहीं लग रही है कि वो क्या करे सबसे पहली बात इसकी खबर आप अपने माँ पिता को ज़रूर दीजिए क्योंकि उनसे छुपाते रहेंगे और आपकी इसी कमज़ोरी और आपके इसी डर का फायदा उठा कर के वो लड़का आपके साथ बदमाशी करता रहेगा तो बेहतर ये होगा भले एक बार मम्मी पापा से मार थोड़ी पड़ जाए खा लेना क्योंकि काम तो गलत किया ही है पर अगर वो थोड़ी भी समझ रखते हैं तो डेफिनेटली वो समझेंगे और दूसरी बात ये है कि आपकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके माँ और पिता बहुत अच्छे से करेंगे तो उन पर थोड़ा भरोसा करनी करिए और अपने मन की बात उनसे कहिए और ये जो बदमाशी कर रहा है लड़का उसको तो फिर सबक सिखाना पड़ेगा देखो कई बार ऐसा हो जाता है पहले लड़का लड़की का दोस्ती होता है फिर किसी पॉइंट पे आ के दोस्ती लड़की ना रखना चाहे और लड़का कहे नहीं तुम्हें रहना ही पड़ेगा दोस्त और फिर वो सब गलत सलत तरीके से उसे प्रेशराइज करता है या उसे परेशान करता है दिस इज टोटली टोटली रॉन्ग और ऐसी स्थिति में अगर लड़की चुप रहेगी तो उसका शोषण होता रहेगा ऐसे में उसको हिम्मत करके अपने पिता अपने माँ को बताना चाहिए ताकि उस लड़के की खबर वो खुद से ले लेंगे ऐसा हो जाएगा आप इतनी फिक्र मत करिए कोई भी मां बाप अपनी बच्ची को ऐसी परिस्थिति में कभी नहीं देखना चाहेंगे और अजीब सी बात यह है कि जो लड़की को भोग्या मानता है कोई भोग की वस्तु मानता है उसके मां बाप ने उसको क्या ट्रेनिंग दिया क्या समझ दिया क्या विचार दिया ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द वुमेन The woman's, the girl's body is very fragile. And you know, a girl when becomes a woman, you know, she goes through so much pain, physical pain, hormonal changes, periods, menstruation, the mood swings. और उसी में उसको घर के भी काम करने हैं बाहर के भी काम करने हैं तो ऐसी स्थिति में पुरुष नहीं है एक लड़का नहीं है उस स्थिति में तो लड़के को समझना चाहिए आज बहुत सी चीजें ओपन हैं तो भाई को अगर ये मालूम हो तो बहन को भी कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि मेरा चल रहा है। good, so इसको बोलने में लड़की को भी झिझक नहीं होनी चाहिए लड़की की माओ को भी झिझक नहीं होनी चाहिए और ये माओ का फर्ज होना चाहिए कि वो अपने पुत्रों को भी ये समझाए कि अगर बहन की तबीयत ठीक ना हो तो उसको तंग नहीं करो उसको सपोर्ट करो एंड लेट हर रेस्ट इफ शी वांट्स टू सी दैट्स व्हाई आई एम सो परसिस्टेंट एंड आई विल दिस अगेन प्लीज डू योर योगासन प्रॉपरली अगर आप योगासन ठीक करती रहेंगी तो आपको पीरियड्स के टाइम का पेन नहीं होगा और होगा भी तो बहुत कम होगा और हो जाए तो एक छोटा सा सोलूशन उसका देते हैं अजवाइन एक चम्मच लेके उसको आप पानी में उबालिए और उसमें एक छोटा टुकड़ा गुड़ का डाल दीजिए ये अजवाइन गुड़ और जैसे चाय जैसा कर जाए थोड़ा तीन चार बॉईल हो जाए इसको छान लीजिए और चुटकी इसमें काला नमक डाल दीजिए और ये पी लीजिए तो ये पीने से जो क्रैम्प्स हो रहे होते हैं वो ठीक हो जाएंगे देखो प्रश्न तो कुछ और था बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज वेरी रेलिवेंट टू मेनी गर्ल्स एंड इट विल हेल्प देम तो अजवाइन गुड़ और चुटकी काला नमक का ये जो काड़ा है इट विल टेक अवे योर पीरियड का पेन पर किसी लड़की को ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि अगर किसी गलत लड़के से दोस्ती हो गई या सेल्फी हो गई या इवन फिजिकल रिलेशन भी हो गया तो वो इस बात को छुपाए और ये डरे कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है और वो ब्लैकमेल हो रही है दिस इज नॉट गुड दिस नॉट राइट मिनट लगेगा जस्ट पुल अप योर सॉक्स टॉक टू योर पेरेंट्स एंड देन लेट देम हैंडल द सिचुएशन इतना विश्वास तुम्हें होना चाहिए कि आपके मां बाप आपकी स्थिति को समझेंगे और उसका जो उपाय वो कर सकते हैं वो डेफिनेटली करेंगे पर चुप रहेंगे तो फिर तुम तकलीफ में रहोगे आपकी तकलीफ को कौन दूर करेगा और फिर वही बात हो जाती कि मैं तो सोचती हूं मैं मरी जाऊं मैं मरी जाऊं अरे क्यों मर जाओ अपने डर को मारिए अपने डर को मारिए और जो सिचुएशन है उसका सामना कर लीजिए कौन सी बड़ी बात अद्वैत 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 जिन्होंने बनाया वेरी नाइस nice. ये लिखता है मैं अद्वैत जा रहा हूं शिविर यूथ शिविर पहली बार आया हूं मैं ठीक कर रही हूँ तुमने थोड़ा इधर उधर कर दिया है मुझे काफी ठीक करना पड़ेगा चलो कोई बात नहीं जिसके लिए कर रहा था मैं महीनों से इंतजार सीखना है गुरुमा से जीवन का सार जिससे मैं बन जाऊंगा बहुत ही होशियार <laughs> ये इसने कार्ड बना गया और अंदर कविता तो नहीं चलो थोड़ी तुकबंदी बंदी करने की हिम्मत करी है तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर एक जगह में ध्यान करते हुए ऋषि बनाए हैं ओम बनाया है, है? कितना तो सुंदर वेरी नाइस nice. ये बहुत बार आया है प्रश्न पर फिर भी लेती हूँ कृष्ण पाल पूछते हैं कोई कहता है हमें हमारे कर्मों का नतीजा भुगतना है कोई कहता है इस जन्म में जो भी बुरा हमारे साथ होता है वो हमारे साथ पिछले जन्मों के वजह से होता है इन दोनों में कौन सी बात सही है तुम्हें क्या भुगतना पड़ गया बच्चा कि जनरल क्वेश्चन है हाँ अच्छा आपने कल रोटी खाई तो हमने बताया था ना आप अगर आज भोजन करते हो तो तीन दिन में रस बन जाएगा राइट और फिर एक हफ्ते में रक्त बन जाएगा और फिर मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र सब बनता है ना अच्छा आज हम कुछ नहीं खाएं तो रस बनेगा रस नहीं बनेगा तो रक्त बनेगा रक्त नहीं बनेगा तो आगे की प्रोसीजर नहीं चलेगी ना तो यही तो है और किसको कह रहे कर्म मतलब जो हम आज कर रहे हैं वो एक एनर्जी रिलीज कर रहा है जिसका जो जवाब या जो नतीजा है वो हमारे पास अगले दिन आ जाएगा मतलब अगला दिन या अगला हफ्ता या अगला महीना या अगला साल यू नेवर नो व्हेन इट इज गोइंग टू कम बैक टू यू कर्म क्या है बच्चे इट इज अ फोर्स Any action done by your body, speech, or a mind is called Karma. Say it. Any action done by your body, mind, or speech is called an action. And every action will have equal reaction. Right? Physics law. This is the law मतलब आपने जो किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है अच्छा रिस्पॉन्स एंड अबिलिटी हाउ यू विल रिस्पॉन्ड एंड हाउ विल बी योर अबिलिटी दैट मेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने कुछ गलत किया तो उसका रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा तो फिर हमारी एबिलिटी होनी चाहिए ना कि हम उसे भुगत भी लें फिर छह महीने पढ़ाई नहीं करी और फिर हो गए फेल और फिर बोले हमारे टीचर बड़े बेकार है पढ़ाते नहीं है मम्मी स्कूल ही ठीक नहीं स्कूल बदल दे तो रिस्पांसिबिलिटी क्या है जो हमने किया उसके लिए हमारा रिस्पांस कैसा होगा और हमारी एबिलिटीज सही होनी चाहिए तब हम वहां रोने नहीं बैठ जाए तो कल और आज और आज और कल आज क्या दिन है संडे कल क्या था सैटरडे कल क्या होगा कहा लिखा है ये कैलेंडर <laughs> कैलेंडर वेद है क्या तुम कहोगे गूगल कह रहा है तुम कहोगे इंटरनेट कह रहा है तुम कहोगे वेबसाइट कह रहे तुम तुमको हमारे घर का कैलेंडर कह रहा है अब घर के वो पुराने कैलेंडर होते थे ना वो पेज एक छोटा सा फाड़ देते थे राइट तो फिर अगले दिन न्यू डे अच्छा आज क्या है आज तो 9 जून हो गई फिर एक दिन मम्मी भूल गई तो 10 जून को भी नौ ही माना उन्होंने राइट या दो पेज कट्ठे फाड़ दिए तो नौ का ग्यारह बन गया तो कल और आज में कहा बाउंड्री लाइन है जहां कल आज हो गया था इज इनी बाउंड्री लाइन और टाइम इज फ्लोइंग कल और आज में कोई बाउंड्री नहीं है एक समय में एक समय की धारा बह रही है इस धारा में आप जो करते हैं उसके रिस्पॉन्सिस उसके नतीजे आपके सामने आते चले जाएंगे राइट एंड यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दिज रिस्पॉन्सिस एवर कैन नॉट इसीलिए कहा संतों से और शास्त्र से ये समझिए कि आपको क्या करना चाहिए क्या विवेक से करना चाहिए और अज्ञानता से क्या नहीं करना चाहिए और क्रोध में और लोभ में आके बुरा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वापिस भुगतना पड़ेगा भुगतने से आप बच नहीं सकेंगे स्ट्रॉलोजी तो यहां तलक कहती है कि आपके माँ पिता भाई बंधु घर मकान कैसा होगा ये भी आपके कर्म पर आश्रित है और कल आपने राम जी का चार्ट देखा ही है ना सब चीज बढ़िया हुई कि नहीं क्यों बढ़िया हो गई तो योग वशिष्ठ की बात कह दूं उसमें रामचंद्र जी को वशिष्ठ कहते हैं हे hey राम तुम पूर्व जन्मों में भी ऐसे ही धर्मात्मा थे और तुम पूर्व जन्मों में भी तुम इसी प्रकार धर्म करते थे तीर्थ करते थे जिसके कारण से तुमको ऐसा पिता ऐसी मां और ऐसा गुरु मिला और जब आप करते हैं बुरे वाले कर्म लोभ से क्रोध से दुर्योधन जैसे काम अगर आप करते हैं तो फिर तो आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य जैसा ही मिलेगा फिर तो गड़बड़ मिलेंगे गुरु गीता में कहते हैं श्रेष्ठ कर्म करने वालों को उत्तम और श्रेष्ठ गुरु मिलेगा और बुरा कर्म करने वालों को झूठे कपटे और ढोंगी गुरु मिल जाएंगे बिल्कुल सच्ची बात है कल और आज में कोई फर्क नहीं है समय की एक धारा में आप अच्छा करते जाइए एक ने कहा लो जी हम तो गरीब ही रह गए हम तो गरीब ही रह गए हमने कोई अच्छे कर्म नहीं किए थे और हद हो गई बुद्ध जी ने राजमहल पैसा धन सब छोड़ के सन्यासी हो गए थे अगर पैसा ही अच्छा होता महल ही अच्छा होता तो वो छोड़ते ही सब तो किसने कहा पैसा हो तो सब अच्छा होता है और गरीब हो जाओ तो कुछ अच्छा नहीं होता कबीर साहब खड्डी चलाते थे कपड़ा बुनते थे तो वो अच्छे नहीं थे हैं रैदास जी चमड़े का काम करते थे जूता बनाते थे चमड़ा साफ करते थे मरे पशु का चमड़ा उतारना साफ करना लेकिन उनके जैसा ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कौन हुआ होगा और तुम्हें मालूम कबीर जी और रैदास जी दोनों गुरु भाई थे और दोनों स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे दोनों स्वामी रामानंद जी के शिष्य तो आपकी गरीबी से या पैसे कम हो जाने से सब खराब है और पैसे आ जाएंगे तो सब अच्छा है ये तो बेवकूफी है फिर सुनो रामचंद्र जी को जब ये पता चला कि कैकई कह ने माता जी ने उनके लिए बनवास मांग लिया है चौदह साल का कहा तो वो तैयारी कर रहे थे कि सुबह सुबह उनको राज तिलक होगा और कहा खबर क्या मिली कि अब तो जाओ जंगल को वन में रहना है शहर में नहीं रहना है किसी के घर में नहीं रहना है और चौदह साल आप ये भी किसी को ना बताएं कि आप राजकुमार हैं ताकि आपको कोई राजसी ट्रीटमेंट नहीं दे तो लक्ष्मण जी को तो गुस्सा आ गया बड़ी जोर से ऐसे कैसे ऐसे कैसे वो तो लड़े बोले मारा बाप बुढा हो गया है इसको सही करने की जरूरत है तुम तो उठाओ धनुष्बान हम अभी विद्रोह करेंगे राम जी कहते चुप ये कुछ नहीं होगा बोले आपको गुस्सा नहीं आ रहा कह रहे नहीं तो आप तैयार हो जंगल जाने को बोले हाँ क्यों लक्ष्मण जरा बैठ शांत लक्ष्मण शांत सुनो गुरुकुल याद है हाँ गुरुकुल का समय कैसा था भैया वो तो इतना अच्छा समय था सब गुरु भाइयों के संग थे गुरु जी के दर्शन होते थे सुबह सुबह मुहूर्त में उठते थे संध्या बंदन करते थे फिर आसन करते थे फिर घन पाठ करते थे फिर हम वेद वेदांत सुनते थे फिर हम सब इकट्ठे बैठ के पत्ते पर भोजन खाते थे फिर हम नदी में जाके स्नान करते थे फिर हम राम जी कहते तो सुन भैया लक्ष्मण अब अगले चौदह साल हमको यही मिलने वाला है यही मजे का जीवन नदियों में स्नान करेंगे ऋषियों का दर्शन करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और ये राज काज और पॉलिटिक्स और इन सबसे दूर कहो आइडिया कैसा है बोलो ये तो बड़ा जमा जमा के आइडिया कमाल का आइडिया सुंदर खूबसूरत बोले तो चलो फिर फिर तो मैं भी चलूंगा <laughs> अब आप अकेले नहीं जा सकते आप मुझे यहां छोड़ के नहीं जा सकते इतने मजे की चीज मेरे बगैर तुम ऐसे कैसे कहा तो वो लक्ष्मण लड़ रहे हैं ये ऐसा है गलत है ठीक नहीं है कि कई माता ने ठीक नहीं किया है पिताजी ने ठीक नहीं किया है और जब बात सुनी कि चौदह साल में क्या होगा चौदह साल आश्रम जीवन मिल रहा है इससे बढ़िया कुछ हो सकता है अरे तो हम भी जाएंगे तो ये बुरी बात हो गई थी जिसे समझ नहीं है वो तो रोएगा कहाँ राजा बन रहे थे कहाँ जंगल में रहना पड़ेगा और कहाँ जिसको समझ है जिसने आश्रम जीवन जिया है जिसने गुरु का दर्शन किया है उसके लिए कितना आनंद हो रहा है